उस समय जवान जब कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए खड़े रहते हैं रोड पर, तो प्रशासन और सरकार दोनों उसका बात को भी सुने। हम जवान हैं, कोई जानवर या कोई पशु पक्षी नहीं है कि लात मारा और हमें यूज किया और हमें हटा दिया। चुनाव से पहले भी वादा किए हैं, जब हम सरकार में आएंगे तो आप लोगों का आवाज को सुना जाएगा। अब तक हम लोगों को कुछ हुआ ही नहीं है। पहले बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे राजभवन के समक्ष, उस समय भी हम लोग को यही आश्वासन दिया गया था कि मिलेगा बोल करके, अब तक हम लोग को कुछ सुना ही नहीं है। अगर इस बार अगर न्याय नहीं करते हैं तो अवश्य ही वो अपने गद्दी से गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये सरकार ढीठ हो चुकी है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। ये वादा खिलाफी सरकार, वादा करके जब सत्ता में आई तो बोली कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो झारखंड होमगार्ड में जितने भी समस्त जवान हैं सबको मैं नियमित ड्यूटी दूंगा और ये इसको हम मैं समान काम का समान वेतन लागू करूंगा, मगर ये सरकार वादा खिलाफी सरकार है। 3-4 साल होने जा रहा है बट अभी तक हमारे साथ कुछ ऐसा जिस तरह वादा उन्होंने किया था वैसा कुछ पूरा नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमें ठगा जा रहा है। हम लोग सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि हम लोग को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और हम लोग को नियमित वेतन मिलना चाहिए, बस हम लोग यही मांग करना है। अगर इस बार हम लोग को नहीं सुना जाएगा अगले बार इससे बड़ी संख्या की तादाद में यहाँ आएंगे, यहाँ पर हंगामा मचा देंगे यहीं पर। हर जोर जुल्म के टक्कर में भारत माता की जय, भारत लगभग 22,000 होमगार्ड के जवान इस वक्त राजधानी रांची के सड़कों पर राजभवन घेराव के लिए निकल पड़े हैं। आप सभी को पता होगा कि आज से ठीक 1 साल पहले होमगार्ड के जवान लगभग 35 दिनों तक राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में धरना दिया था और उनकी जो मांगे थी कि एक समान जो वेतन हो और उनकी जो वेतन को जो है नियमित किया जाए। हेमंत सोरेन की सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है इनकी जो मांगों को पूरी करेंगे, और जब सरकार में आई उसके बाद जो है अभी तक जो है आप कहें कि ये 3रा साल चल रहा है हेमंत सोरेन के कार्यकाल का, होमगार्ड के जवान अभी भी उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आज से ठीक 1 साल पहले 35 दिनों का जो धरना हुआ था उसमें जो है इनको आश्वासन दिया गया था हेमंत सोरेन की सरकार की ओर से कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, या फिर बिहार के तर्ज पर जिस तरह से जो वहाँ पर जो होमगार्ड के जवानों को वेतनमान दिया जा रहा है आप लोगों को भी उसी तरह से दिया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, वापस से जो है होमगार्ड के जवान, ये साल 2023 चल रहा है, एक बार फिर जो है झारखंड के अलग अलग ज़िले से राजधानी रांची में राजभवन घेराव के लिए होमगार्ड के जवान जो है सड़कों पर निकले हैं। ये एक तरह से कहें कि हेमंत सरकार की वादा खिलाफी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होमगार्ड के एक जवान है, नाम बताइए। मेरा नाम भागीरथी गर्ग है, चैमासा जिला से मैं होमगार्ड हूँ। आज जो आप लोग धरना दे रहे हैं, आप लोग का जो आंदोलन है उसकी क्या खास वजह है? खास वजह यही है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारा जो होमगार्ड के जवान है सारे उनको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारा जो हाईकोर्ट का आदेश है उसके ऊपर थोड़ा विचार करें, क्योंकि होमगार्ड काफ़ी खराब परिस्थिति से गुजर रहा है इस समय। उन्होंने चुनाव से पूर्व भी आश्वासन दिया था, हमें आश्वस्त किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आप लोग कुशलतापूर्वक अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से कर पाएंगे, आपको आपका अधिकार मिलेगा। पर जब सरकार बन गई, अब 3-4 साल होने जा रहा है बट अभी तक हमारे साथ कुछ ऐसा जिस तरह वादा उन्होंने किया था वैसा कुछ पूरा नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमें ठगा जा रहा है ऐसा हमारा है। ये बताइए, जब से धरना चल रहा है तब से अभी तक आप लोगों ने सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, अब क्या सरकार की तरफ से जवाब आया है, क्या आश्वासन आखिरी बार आप लोगों को मिला? आश्वासन यही है बस, अभी तक कुछ तो हम लोग को पता तो नहीं चला है कि सरकार ने कोई स्टैंड लिया है अपनी तरफ से, बस हम लोग खड़े हैं कि हाँ सर हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको पालन करिए, पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा नोटिस आया ही नहीं कि हमें पता चले कुछ कर रहे हैं सरकार, हम तो अपनी गुहार लगा ही रहे हैं। क्या आप लोग आज फिर जो है सड़कों पर उतरे हैं, झारखंड है सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, क्या वजह है? बहुत बार आंदोलन करने के बावजूद भी जो है झारखंड हेमंत सोरेन को अभी तक होश नहीं आया है। वोट मांगने के पहले जो है वो हमेशा ऐलान करते रहते कि हम आप लोग को न्याय देंगे, बहुत सारे अपनी बातें रखते हैं, और फिर भी जो है अभी उनका कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है, फिर भी अभी तक जो है वो हमारे ऊपर कोई बातें नहीं रखी है, हमारे ऊपर कोई न्याय नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग जो है फिर से हमें रास्ता पर उतरना पड़ा।
क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग जो आंदोलन पर उतरे हैं आप लोगों को फिर से सुना जाएगा, कितनी उम्मीद है? अगर इस बार अगर न्याय नहीं करते हैं तो अवश्य ही वो अपने गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ से हैं? चाईबासा ज़िले से। चाईबासा ज़िले से आए हैं। तो देखिए, चाईबासा ज़िले से जो है ये बता रहे हैं कि आए हैं, और इसी तरह से झारखंड के अलग अलग ज़िलों से जो है होमगार्ड यहाँ पर पहुँचे हैं और इनकी आज हल्ला बोल रैली है। और भी जो होमगार्ड के जवान हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है, नाम बताइए? हरीश लमा है। बोलिए, क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? हम लोग सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि हम लोग को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और हम लोग को नियमित वेतन मिलना चाहिए। बस हम लोग यही मांग करना है। अगर इस बार हम लोग को नहीं सुना जाएगा, अगले बार इससे बड़ी संख्या के तादाद में यहाँ आएंगे और यहाँ पर हंगामा मचा देंगे यहीं पर, क्योंकि चुनाव से पहले भी वादा किए हैं जब हम सरकार में आएंगे तो आप लोगों का आवाज़ को सुना जाएगा। अब तक हम लोग को कुछ हुआ ही नहीं है। पहले बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे राजभवन के समक्ष, उस समय भी हम लोग को यही आश्वासन दिया गया था कि मिलेगा बोल करके। अब तक हम लोग को कुछ सुना ही नहीं है। बस यही चीज़ मैं बोलूँगा, जो हम लोग आज का यही मांग है कि हम लोग को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और नियमित ड्यूटी मिलना चाहिए। यही काम के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। आज हम लोग देखते हैं क्या होता है, नहीं तो आगे इसके हम बड़ा रणनीति तैयार करके फिर से हम लोग इस तरह फिर आवाज़ उठाएंगे। कहाँ से हैं? पश्चिम सिंहभूम जिला चाईबासा से हैं। हम लोग चतरा जिला से आए हैं। हम लोग का यही कहना है कि समान काम का समान वेतन चाहिए। जो बिहार सरकार दे रहा है वो झारखंड सरकार भी दे, या मतलब बिहार तो झारखंड सरकार कम है। यही हम लोग का मांग है, मांग को पूरी कर दो। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। आदमी दुनिया बाल बच्चा छोड़ के इतना दूर आए हैं, 4 महीना ड्यूटी करेंगे चल जाएगा, कैसे पेट भर चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का मांग के पूरा करते हैं। आप लोग फिर एक बार जो है सड़क पर उतर गए हैं, मांगे अभी तक आप लोग को क्यों नहीं सुनी जा रही? ये सरकार ढीठ हो चुकी है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। ये वादा खिलाफी सरकार, वादा करके जब सत्ता में आई तो बोली कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो झारखंड होमगार्ड में जितने भी समस्त जवान हैं सबको मैं नियमित ड्यूटी दूंगा और ये इसको हम मैं समान काम का समान वेतन लागू करूंगा। मगर ये सरकार वादा खिलाफी सरकार है, सभी का मांग पूरा किया। जब जवान कंधे से कंधे मिला करके ड्यूटी करते हैं, कोई पर्व त्यौहार नहीं देते और कोई भी दिन और कोई माने अपने परिवार को नहीं देखते, पर्व के दिन भी रोड पर खड़ा होकर ड्यूटी करते हैं। विधि व्यवस्था हो या चाहे वो कोई पर्व हो या कोई त्यौहार हो, उस समय जवान जब कंधे से कंधे मिलाकर प्रशासन का एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए खड़े रहते हैं रोड पर, तो प्रशासन और सरकार दोनों उसका बात को भी सुने। हम जवान हैं, कोई जानवर या कोई पशु पक्षी नहीं है कि लात मारा और हमें यूज किया और हमें हटा दिया। आज ये मांग के लिए हम चेतावनी रैली निकाले और ये दोबारा निकलेगा यदि सरकार आज के दिन हमें लिखित रूप में आश्वासन नहीं देती और 1 महीने के अंदर हमारा सारा मांग, जो 5 मांग है वो पूरा नहीं करती है, तो ये मांग के बाद चेतावनी रैली के बाद हम फिर आंदोलन करेंगे। और मोराबादी में एक महीना बाद यदि सरकार हमारा मांग पूरा नहीं करेगी तो हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। समस्त 22,000 जवान होमगार्ड के हैं जो पूरा विधि व्यवस्था को ठप करके बैठेंगे आंदोलन पर। और भी शांतिपूर्ण आज रैली निकाले थे, किसी को कोई क्षति नहीं पहुँचाए। जब हम नियम पूरा करते हैं तो सरकार को भी अपना बात पूरा करने का ये जायज मांग को हम लोग का मानने का अधिकार होना चाहिए। हम कोई बुनियादी अन्याय वाला मांग नहीं मांग रहे। हम निश्चितकालीन हमारा 5 मांग है, राजकर्मी घोषित किया जाए, नियमित ड्यूटी दिया जाए, हमारा समान काम का समान वेतन दिया जाए और हमारे यहाँ पर जो भी जितने भी जवान हैं PFA मेडिकल और ESI का सुविधा जो पुलिस कर्मी को मिलता है वो मिले और बिहार के तर्ज पर सारी सुविधा हमें भी मिले, क्योंकि जब इलेक्शन आएगा तो हम अपने परिवार और घर छोड़ करके वहाँ पर ड्यूटी पर बैठेंगे। तो क्या हम लाचार हैं? इसीलिए हमारी मांगे पूरी करो, वादा खिलाफी सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, होमगार्ड की मांगे पूरी करो। हर जोर जुल्म के टक्कर में भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद 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 देना होगा।
बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनु एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in